हेलो दोस्तों, संतोष लिंबू ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज का ब्लॉग जो कि नॉर्मल ब्लॉग होगा। और आज मैं जो कि मेरा माँ भी कुछ काम की वजह से बाहर गया हुआ, वाइफ भी घर में नहीं है जो कि मायके गई हुई है कुछ काम की वजह से। तो मैं आज करने वाला हूँ, तो सुबह सुबह सभी का जल्दी उठ करके योगा करना चाहिए। तो मैं आज का दिन का स्टार्ट योगा से करूँगा। तो चलिए आप लोगों को देर ना करते हैं, योगा करूँगा। उसके बाद जो कि आज का घर का जो कुकिंग जो कि खाना बनाने का काम भी मेरा ही है, तो मैं आज आप लोगों को मैं कैसे खाना बनाता हूँ तो वो भी दिखाता हूँ। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग करने वाले हैं जो कि फैट के लिए, मोटापा के लिए, जिसका भी पेट पेट में कुछ चर्बी सा हो गया है उसके लिए हम लोग जो कैसे करके हम लोग इसको फैट को कमा सकते हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं। तो उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ प्राणायाम करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे कपालभाति योगा, कपालभाति प्राणायाम, जो कि बहुत ही असरदार प्राणायाम है। तो चले करते हैं। सर्दी का वजह से पूरा हालत ख़राब हो रखा है, तो फिर भी हम लोग करते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने योगा कर ली है। तो सभी को योगा को करना चाहिए सुबह सुबह उठ करके। आप लोग भी योगा जरूर कीजिएगा। तो अभी मैं किचन की तरफ जाऊंगा। तो सर्दी की वजह से कुछ अच्छा फीलिंग्स नहीं हो रहा है, कुछ बुखार सा महसूस हो रहा है अंदर से। तो चलिए अभी मैं कुकिंग करता हूँ, तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कैसे कुकिंग करता हूँ। चलिए, तो आज सुबह का सब्जी ये बनेगा जो कि सरसों का साग है। और ये मम्मी के लिए बना दूंगी जो कि मेरा मुझे तो जो कि सर्दी है उसकी वजह से नहीं खा पाऊंगा। तो मैं
मेरे लिए खुद ये बनाऊंगा, कद्दू, कद्दू का सब्ज़ी मैं अपने लिए बनाऊंगा। तो चलिए अभी बनाते हैं। तो मैंने चावल कुकर में डाल दी है, तो अभी ये मैं जो कि कुकर में जो कि गैस में बनाऊंगा जो खाना। तो चलिए खाना पक गया है अभी, जो कि एक सीटी मार दिए है तो ये पक गया है। तभी बनाना है इसको, जो कि ये सरसों का साग को बनाना है, सरसों इसको बनाएंगे हम अभी चूल्हे में बनाएंगे, और इसको जो कि ये कद्दू का सब्ज़ी इसमें बनाएंगे, गैस में बनाएंगे। तो अभी मुझे जो कि मैं मोबाइल में बैटरी एकदम ही लो है, तो अभी सब्ज़ी बना करके लास्ट में जो बना करके आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी मैं करूंगा ये मोबाइल चार्ज में डालूंगा, क्योंकि ये बैटरी एकदम लो है, इसमें बैटरी एकदम ही लो है, तो नहीं तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। तो सब्ज़ी बना करके आप लोगों को अंत में दिखाऊंगा जो कि कैसा बना सब्ज़ी। तो चलिए, माँ पिताजी ने बोले हुए बातों को मानना एक लड़का का एक लड़की का एक फ़र्ज बनता है। माँ ने बोले हुए बात को यदि हम लोग मानते हैं तो माँ कितनी खुश होता है, वो हम लोगों को नहीं दिखाते फिर भी बहुत ही अंदर से खुश होते हैं। तो हम लोगों को जो कि जीते जागते अवस्था में ही माँ पिताजी का सेवा करना है, माँ ने बोली हुई बातों को हम लोगों को मानना है, सुनना है, क्योंकि काम कोई भी छोटे या बड़े ये लड़का का ये लड़की का नहीं होता है, काम बस काम होता है। और माँ पिताजी का आज्ञा में रह करके जो भी लड़का या लड़की बड़े होते हैं वो लड़का या लड़की बहुत संस्कारी होता है। तो माँ पिताजी का सेवा एक ईश्वरीय सेवा है, सभी को करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। जाने संसार से गुजर जाने के बाद यदि हम लोग माँ पिताजी को याद करके हम लोग रोए फिर भी हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम लोगों को माँ पिताजी का सेवा जीते जागते अवस्था में ही करना है। माँ पिताजी का बातों को आप लोग सुन करके देखिए ना, अंदर से बहुत ही सुकून सा और आनंद सा महसूस होता है। तो फाइनल दोस्तों मैंने जो कि मेरा ये हो गया देसी डिश रेडी हो गया है, तो इसको मैं खाने वाला हूँ। तो ये मैंने बनाई सब्ज़ी, ये खाना रेडी है, तो अभी मैं इसको खाऊँगा। तो जो कि मैंने बनाए हुए देसी डिश, और ये रहा आप देख सकते हैं, ये उसके है मूली के जो कि बनाए हुए घर में ही बनाए हुए, जो कि माँ ने बनाई हुई ये चटनी है, इसको ये चटनी और सब्ज़ी। तो कद्दू के सब्ज़ी के साथ पेट भरे खाना खा ली है। तो हम लोग गांव के आदमी लोग ज़्यादातर भात ही खाते, रोटी वगैरह नहीं खाते, तो मैंने भी कद्दू की सब्ज़ी के साथ पेट भरे खाना खा लिया, जो कि मेरा फेवरेट सब्ज़ी है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ, जो कि मेरा शॉप हर्बल शॉप है, हर्बल शॉप जाने वाला हूँ। तो अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी दे सकते। तो ये वीडियो यहीं पे अंत करना चाहता हूँ। तो अगले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि मेरा हर्बल शॉप के आप लोगों को टूर कराऊंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।